थोड़ा दूर यहाँ तक हो जाए बस करे रोल रोल। सर अभी इंदौर जिले की क्या स्थिति है, कितना आंकड़ा है? इंदौर जिले में जो कल की रिपोर्ट आई इसके बाद अभी 151 लोग पॉजिटिव आ गए हैं और करीब 13 मौतें हुई हैं। और कल से हम लोगों ने जो कंटेनमेंट एरिया में सर्वे का काम चालू किया था वो एप्लीकेशन के द्वारा चालू हो गया है और लगभग 400 लोगों का सर्वेक्षण हो गया था। इनमें से 30 के करीब लोगों को कुछ लक्षण पाए गए थे। उन सभी 300 लोगों का परीक्षण आज हमारी मेडिकल टीम के द्वारा किया जाएगा और ये मेडिकल टीम जब इनका परीक्षण कर लेगी तो ये देखा जाएगा कि उन लक्षणों के आधार पर यदि उनकी जाँच कराई जानी है तो हम जाँच कराएंगे और क्वारंटाइन किया जाना है तो उनको होम क्वारंटाइन अथवा किसी संस्था में क्वारंटाइन कराएंगे। दूसरे चरण में आज हम लोग टाटपट्टी भाकल वाली टीम रवाना कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वो भी रवाना हो जाएगी। इसी तरह चरणबद्ध तरीके से कल हम खजराना आगे चरणों में आज़ाद नगर और चंदन नगर में भेजने वाले हैं। सर टोटल संख्या कितनी है मरीजों की अभी और मृतकों की संख्या? मरीजों की मैंने बताया भी 151 पॉजिटिव आ चुके हैं और 13 की मृत्यु हुई। सर कुछ ऐसी जानकारी भी निकल रही थी कि जो मरीज हैं उनकी जानकारी नहीं दे रहे हैं उनकी मृत्यु की और सीधा यहाँ पर दफनाया भी जा रहा है। अभी तक जितने भी कोरोना से पॉजिटिव मरीज आए उन सभी की जानकारी हमें मिल जाती है अस्पतालों के माध्यम से। अन्य जो जानकारी लोगों की विभिन्न माध्यमों से या सोशल मीडिया में चलती है उनमें से किसी की भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि नहीं हुई है। अतः मेरा ये अनुरोध है कि ऐसी अपुष्ट खबरों के बारे में आप लोग ना चलाएँ और जब तक इनकी पुष्टि मेडिकल कॉलेज की डीन के द्वारा या मेरे द्वारा ना कर दी जाए तब तक इनको कृपया ना चलाएं। सर ये कोई ऐप के माध्यम से आप लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, किस तरीके से ऐप काम कर रहा है? सर एक स्थानीय प्रशासन द्वारा एक ऐप तैयार किया गया है जिसमें ये सर्वेक्षण किया जाता है ताकि रियल टाइम डाटा हमें तुरंत ही दिख जाता है कि कौन से मरीज कितने लोगों का परीक्षण किया जा चुका है, कितने लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसमें से कितने लोगों को तकलीफ है या नहीं। सर स्वास्थ्य विभाग में भी किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव इस तरह की शिकायत? अभी तक तो इंदौर में स्वास्थ्य विभाग में किसी को पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त नहीं। सर आसपास के जिलों की क्या स्थिति है, बड़वानी और ये सब अन्य आसपास के जिलों में भी कहीं कहीं से केस निकलने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी जानकारी में। और सर अंतिम प्रश्न था कि सभी जाँचें अब केवल इंदौर में ही हो रही है एम्स? जी अब इंदौर की क्षमता बढ़ गई है इसलिए सारी जाँचें अब इंदौर में ही होना शुरू हो गई है।